morning, my dear students. How are you? I hope you are well at home and studying well. Today we will start a new chapter of EVS. So students, open your book, page number 173. Page number 173. क्या है? Chapter number 6th, air. Chapter number 6th, air के बारे में आज हम read करेंगे. ये तो आपको पता ही होगा कि air क्या होता है. ठीक है, तो आज हम रीड करने जा रहे हैं एयर के बारे में. सो लिसन केयरफुली एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 173. सो देखिए, डू यू नो व्हाट इज एयर? क्या आप जानते हो कि एयर क्या होती है? जानते हो एयर क्या होती है? ये तो आपको सबको पता ही होगा. देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सराउंडिंग द अर्थ. एयर क्या है? वायु क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैस का मिश्रण है. क्या है वायु? पृथ्वी के चारों ओर गैस का मिश्रण है. सो स्टूडेंट्स, पहले तो आप एक बात सुनिए कि अपनी रफ नोटबुक या जो भी आपने नोटबुक हार्डवर्ड्स के लिए लगा के रखी है वो ओपन कर लीजिए. कुछ हार्डवर्ड्स हैं जो मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ जाए. मिक्सचर देखो, फर्स्टली तो देखो हार्डवर्ड्स, एयर. एयर के बारे में हम रीड कर रहे हैं. एयर क्या होती है? हवा या वायु, जिसको कहते हैं हवा या वायु. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. अब मिक्सचर क्या होता है? एम आई एक्स टी यू आर. मिक्सचर क्या होता है बेटे? मिश्रण. मिक्सचर मीन्स मिश्रण. क्या है? पृथ्वी के चारों सॉरी वायु पृथ्वी के चारों ओर गैस का क्या है? मिश्रण है. टेक ए न्यूज़पेपर. अब देखो क्या कह रहे हैं, आप एक न्यूज़पेपर को लीजिए एंड फैन योरसेल्फ. और क्या है, एक पंखे को आप चला दीजिए. क्या होगा? डू यू फील समथिंग कूल? क्या आपको कुछ क्या लगेगा कि आपको कुछ कुछ ठंडा क्या है महसूस होगा? दिस इज एयर. और उसको क्या बोलते हैं बेटे? एयर बोलते हैं. एयर इज एवरीवेयर. एयर इज एवरीवेयर. एवरीवेयर का क्या होता है? एयर इज एवरीवेयर मीन्स क्या होता है आपको बता ही देती हूँ कि जो हवा होती है हमारे चारों ओर होती है. बट वी कांट सी इट. पर हम क्या है, क्या आप हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते. लेकिन क्या कर सकते हो? उसको महसूस कर सकते हो. जैसे कि गर्मियों में क्या है, आपको क्या है, पंखे के नीचे जाते ही गर्मी से राहत मिलती है. कूलरों के नीचे जाते हो या एसी के नीचे जाते हो तो वो क्या है बेटे, हवा ही तो होती है जिसको जो आपको गर्मी से क्या देती है, राहत देती है, आपको फील होती है. लेकिन क्या आप उस हवा को देख पाते हो? नहीं देख पाते. सो देखिए, वी कैन फील इट. और क्या कर सकते हैं? फील होगा, एफ डबल ई एल. फील होता है महसूस, महसूस करना. फील क्या होता है? महसूस कर सकते हो आप एयर को. व्हेन इट इज मूविंग. मूविंग क्या होता है? जब ये चलती होती है. मूविंग जब ये चल रही होती है. मूविंग चलती हो या चल रही हो, जो भी है. मूविंग चल रही हो. जब ये चल रही हो तो आप इसको क्या कर सकते हो? महसूस करते हो. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अब मूविंग एयर मीन्स क्या है? जब हवा चल रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. विंड किसको कहते हैं बेटे? विंड भी किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं. और उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. आगे देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. क्या आपने देखा? देख आपको बताते हैं कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, कई जो गैसेस का क्या है, मिश्रण है. ऑक्सीजन इज वन ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन. और ऑक्सीजन क्या है? हवा में मौजूद गैसों में से एक है. ऑक्सीजन इज वन ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन. क्या है? ऑक्सीजन हवा में मौजूद गैसों में से एक है. अब देखो, ऑल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स
बताया हुआ है लिविंग थिंग्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होता है बेटे, जीवित चीजें, जीवित चीजें, ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स होता है जो चल फिर सकते ही हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं, नीड एयर टू लिव लाइफ। और क्या होता है नीड, क्या होता है बेटे, जरूरत, हमें किस चीज की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लाइफ, और सबको जीवित रहने के या सभी जीवित चीजों को किस चीज की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है। सो अब देखिए आपको एक चीज बताते हैं, टेक ए डीप ब्रीथ, डीप मीनिंग क्या होता है, गहरी, डीप, डीप मीन्स गहरी, टेक ए डीप ब्रीथ क्या है, ब्रीथ मीनिंग सांस लेना, ब्रीथ का क्या होगा, ब्रीथ वी आर ई ए टी एच, ब्रीथ का क्या होगा, सांस लेना, ब्रीथ सांस लेना, कि एक गहरी सांस लीजिए, यू हैव टेकन इन एयर थ्रू योर नोज। अब आपने क्या देखा, आपने क्या है, एक गहरी सांस लेते हो, ठीक है, और फिर आपने क्या फील किया कि आपने सांस कहां से लिया, नोज के द्वारा, कैसे सांस लेते हो, ऐसे आपने सांस लिया तो किसके द्वारा अंदर हवा गई, आपके नोज के द्वारा। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर अस। अब आपको पता चला कि अगर हमारे, अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो क्या है, हम जीवित नहीं रह सकते, और इसलिए हमें क्या पता चला, नाक से अगर हमने सांस ली, हवा हमारे अंदर गई, तो हमें क्या पता चला कि हवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। सो आगे देखिए पेज नंबर 174 में, दिस इज ए ड्राइवर, क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ड्राइवर की आपको पिक लगी हुई है, देखो पास में ही, दिस इज ए ड्राइवर, ही ऑल्सो नीड्स एयर टू स्टे अंडर वॉटर, अंडर वॉटर होता है नीचे पानी के अंदर रहने के लिए, उसको किस चीज की जरूरत है, हवा की जरूरत है, स्टे मीन होता है रहने के लिए, पानी में रहने के लिए, स्टे मीन्स रहने के लिए, रहने के लिए। अब उसको किस चीज की जरूरत है, हवा की जरूरत है, दैट इज वाई, ऐसा क्यों, ही इज केयरिंग, केयरिंग मीन होता है ले जाना, एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, और वो क्या करता है, उसके अंदर आप कभी देखते हो ना, जब पानी के अंदर वो तैरते होते हैं अंदर बीचों बीच, कई आपने मूवीज भी देखी है, कई वो सीरियल्स वगैरह भी देखते हो, तो उसमें क्या होता है, वो एक सिलेंडर उनके बैग पे लगा होता है, और ऊपर से क्या होता है, उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है, और उन्होंने मुंह पर भी वो क्या लगाया होता है, ऑक्सीजन का जो है लेने के लिए लगाया होता है। तो क्या होता है, वो अपने क्यों अंदर उसको लेके जाते हैं, ताकि उनको क्या है, वायु मिल सके और वो पानी में अच्छे से तैर सके। आगे देखिए, दिस इज एन एस्ट्रोनॉट, ये क्या है, एक एस्ट्रोनॉट है, ही आल्सो नीड्स एयर इन स्पेस, और अब इसको भी क्या है बेटे, स्पेस मीन स्थान पे जाने के लिए क्या है, एयर की जरूरत है। तो क्या है बेटे, स्पेस मीन क्या होता है, पहले तो लिखो स्पेस का क्या होगा, स्थान, स्पेस का क्या होगा, स्थान, और दूसरा क्या लिखाने जा रही हूं, एस्ट्रोनॉट, ये क्या कौन होता है, अंतरिक्ष में जाने वाला, एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही चैप्टर करेंगे, और बाकी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको कल समझाऊंगी। इतना सबको समझ आ गया बच्चों, यस, अगर नहीं भी आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से फिर से सीन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।